दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई बीडीओ और बीपीओ भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक बड़े झटके के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, इसके अलावा 1,79,585 नई प्राइमरी सुपर टीईटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडवर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिनको आप सभी की नई नियमावली के आधार पर तैयार करके बनाया गया है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज किया गया है। पेपर 1, पेपर 2, सामान्य अध्ययन सभी प्रश्नों के बारे में 100% आपको ऑथेंटिक सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बुक में थ्योरी के साथ आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही साथ उन क्वेश्चन की उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ में। इन बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी। अभी परचेस करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि हाल ही में वीडियो भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन को लेकर मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी और उसके बाद जो भर्ती के अंदर विवाद हुआ था उसको लेकर भी मैंने आप सभी को बताया था। अगर आपको याद होगा तो OBC को लेकर इस भर्ती में थोड़ा विवाद है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा विवाद है, क्योंकि आरक्षण को लेकर जब विवाद होते हैं तो भर्तियां लटकी रहती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल आप सभी देख सकते हैं। सरकार बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी 7,000 सीटें देकर, लेकिन छात्र नहीं माने और मामला अभी भी न्यायालय में है। ऐसे ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से BDO भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अंदर OBC छात्रों के 27% आरक्षण के मुताबिक उनको सीटें नहीं दी गई। सीटों की संख्या कम होने के चलते OBC छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में ट्विटर पर मुद्दा ट्रेंडिंग में देखने के लिए मिला, जिसके लिए 84,800 से ज़्यादा ट्वीट देखने के लिए मिले OBC आरक्षण बचाओ के संबंध में। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। मामला तो आप जानते हैं कि OBC को लेकर जो भर्ती का विज्ञापन निकाला गया इसके अंदर 139 सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है। 27% आरक्षण के मुताबिक इतनी सीटें नहीं होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब मुद्दा ये है कि BDO भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने के लिए यहाँ से जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है और जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए OBC आरक्षित पदों के सापेक्ष गणना की गई तो पता चला कि 1994 के बाद में सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों में चयनित OBC कार्मिक गणना की अगर बात की जाए पदों के सापेक्ष की गई है। ये दोनों अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो काम की बात है वो आप सभी के सामने नीचे से देखने के लिए मिल जाती है कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर जिसका विज्ञापन निकाला गया है, OBC SC वाले अभ्यर्थियों को लेकर सीटों की संख्या को लेकर विवाद है। इस विज्ञापन को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से दोबारा से पदों को यहाँ पे कहने की जो है बनाया जाए जो भी आरक्षण नियम है उनके अनुसार, और फिर उनको ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन को दोबारा जारी किए जाने को लेकर मांग की गई है। अब ये पत्र किसने जारी किया वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार के माध्यम से अनुप्रिया पटेल जी, जो कि कहने की OBC SC धरना प्रदर्शन को लेकर भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दी थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, अब एक बार फिर से BDO BPO भर्ती को लेकर यहां से उनकी तरफ से पत्र जारी करके मांग की गई है कि इसको लेकर जो सख्त कार्यवाही है वो की जाए आयोग के माध्यम से। देखना ये होगा कि आयोग इस भर्ती के विज्ञापन को रद्द करके संशोधित करता है या फिर नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे इस भर्ती के अंदर एक बड़ा विवाद आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,79,585 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ बड़े बदलाव के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन है जिनको जारी किया जाना है, लेकिन BEd बनाम BTC विवाद के चलते इन भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए 1,79,585 पदों के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में BEd वाले अभ्यर्थियों को यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है,
जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित योग्यता थे, अगर बात की जाए बीए और बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में बनेंगे शिक्षक, अगर बात की जाए प्राइमरी के लिए योग्यता के बारे में तो आपके पास बीए प्लस बीएड प्लस 6 माह का बेज कोर्स होना चाहिए। अब ये जो 6 माह का बेज कोर्स देखने के लिए मिलेगा ये बाद में गवर्नमेंट के माध्यम से करवाया जाएगा, आप अपनी तरफ से कर लेते हैं तो यहाँ से वो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण योग्यता डीएलएड होगी। स्नातक के साथ में बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी 1-5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के 2 साल के अंदर इन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तय कर दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक प्राइमरी शिक्षकों के लिए तकनीकी शिक्षा और प्राच्य जो भाषा वो देखने के लिए मिलती है उसमें डिग्री वाले नियुक्ति पात्र नहीं होंगे। किसी सोसाइटी या ट्रस्ट या फिर अगर बात कीजिए और भी जो उर्दू वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन जो काम की बात है वो आप सभी के सामने है। यहाँ पे लगभग 1,79,000 पदों पे शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, जिसमें आपको अगर बात कीजिए 1-5 इसके अलावा 6-8 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। निश्चित तौर पर आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि इस भर्ती के अंदर क्या अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तो ये विज्ञापन जारी होने के बाद तय होगा, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि विज्ञापन जारी होने के बाद में बिहार सरकार के माध्यम से बीपीएससी बोर्ड के माध्यम से क्या बताया जाएगा, उसके आधार पर यहाँ से आगे की कार्यवाही शुरू होगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से इस भर्ती में आवेदन करने के लिए एक याचिका कोर्ट में डाले जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कहने की अगर बात की जाए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पे एक याचिका डालकर इस मुद्दे को लेकर कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि अन्य राज्यों के अंदर बिहार के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन जब बिहार में इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है तो वहाँ पे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता, जो कि पूरे तरीके से गलत है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जैसे इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की योग्यता देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बीएड और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए 6-8 के बारे में तो यहाँ पर भी बीएड और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। बस अगर बात की जाए 50% मार्क्स जो है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। अगर बात की जाए इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा तो बहुत जल्द इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने वाला है अगले सप्ताह। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट के बारे में, तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार आपका और लंबा होगा। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने वाली छुट्टियाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख तक कोर्ट खुला होगा, हालांकि कोर्ट तो कल ही खुला हुआ था, इसके बाद में अब कोर्ट बंद हो चुका है। अब कोर्ट खुलेगा 2 जुलाई के बाद, यानी कि 2 जुलाई के बाद बेंच बैठेगी और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि आपका ऑर्डर अब जुलाई में ही देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।